हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं और इसका ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की स्टडी करेंगे। और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने तीसरे लेक्चर में स्ट्रेस और स्ट्रेन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अब तक हमारे सोम की 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स में दोस्तों पहला चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने अपने 2 चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, जिसमें 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस के जितने भी टाइप्स हैं, इन सभी की हम स्टडी कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेन से आगे, ठीक है। देखते हैं कितना कवर हो पाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मैंने टॉपिक्स के नाम एक बार फिर से लिख दिए हैं, इससे पहले लेक्चर में भी लिखे थे, यहाँ भी लिख दिए हैं। और जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, बार बार मैं टॉपिक्स के नाम लिखूंगा, जिससे कि आपको ओवरव्यू एकदम याद हो जाए अच्छे से, आपको उंगलियों पर रट जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो पहले 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस और दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में, और आगे तक देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। इसके बाद फिर ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, एक एक करके सभी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसको रफ कर दूं मैं, टॉपिक्स के नाम आपने पिछले लेक्चर में देख लिए होंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सोम एंड मोस के नाम से, आप जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले हम सिविल और मैकेनिकल का जो कॉमन पार्ट है वो कवर कर रहे हैं, उसके बाद जितना भी डिफरेंट पार्ट होगा लास्ट में उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक से, इसको रफ कर देते हैं। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों स्ट्रेन। तो सभी बच्चे हेडिंग लिख लेंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन हेडिंग लिख लीजिए सभी। चलिए समझाते हैं स्ट्रेन के बारे में, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक चलेगा आज हमारा, टॉपिक नंबर 3 है स्ट्रेन। हम पढ़ेंगे दोनों लैंग्वेज में, स्ट्रेन का हिंदी होता है विकृति, स्ट्रेन का हिंदी होता है विकृति। अब देखिए क्या होता है स्ट्रेन, टॉपिक नंबर 3। सबसे पहले डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको आसानी से इजीली समझ में आ सके। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे ये कोई बॉडी है, ये कोई भी एक बॉडी है, मैंने यहाँ बना दी, ठीक है। ये ठीक इधर ऊपर से फिक्स है, ये ऊपर से फिक्स कर रखी है बॉडी। सपोज इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक L लेंथ है इसकी, इसकी लंबाई है L, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। और यहाँ पर आपने इस बॉडी पर कोई एक फोर्स लगा दिया, सपोज मान लिया मैंने P फोर्स लगा हुआ है, ये P एक एक्सटर्नल फोर्स है दोस्तों। अब इस P फोर्स के कारण क्या होगा, इस बॉडी की कुछ लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, बॉडी की लंबाई बढ़ेगी। अब चूंकि इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो मोटाई कम हो जाएगी। कोई भी बॉडी हो, अगर आप उसको पकड़ के खींचते हैं तो पतली हो जाती है वो, लंबाई बढ़ गई मतलब मोटाई कम हो गई। ऐसे इसका क्या होगा, ये थोड़ी सी इसकी चौड़ाई तो कम हो जाएगी, यहाँ से दोनों तरफ से चौड़ाई कम हो जाएगी एंड लेंथ इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सपोज डैट मान लिया मैंने इतनी लंबाई बढ़ गई, ठीक है, क्लियर दिख रहा सभी को। इसको पकड़ के खींचा तो इसकी लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई थोड़ी कम हो गई, बॉडी पतली हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई बढ़ी है इसको हम कह देंगे डेल्टा एल, क्या बोल देंगे इसको, डेल्टा एल। इतना सभी को समझ आ रहा है, डेल्टा एल जिस किसी भी यहाँ पर जिस किसी भी लेटर के सामने डेल्टा लग जाए समझो बहुत कम लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई कम, लंबाई बड़ी है लेकिन इंक्रीज हुई है कुछ ना कुछ लंबाई, इसको मैं कह सकता हूँ लेंथ क्या आपकी बड़ी है। अगर मैं इसका अपोजिट डायग्राम बनाता, अपोजिट से मतलब क्या, अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाता, ध्यान से सुनिएगा, मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया सपोज, इस तरह से नीचे से फिक्स कर दिया इसको, ठीक है, एंड मैंने ऊपर से इसके ऊपर फोर्स लगाया, यहाँ से मैंने कोई फोर्स लगाया इस साइड से ऊपर से, ये पी फोर्स है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब ये बॉडी को दबा रहा है, जब ये बॉडी को दबाएगा तो लंबाई कम होगी, क्या होगी, लंबाई इसकी कम हो जाएगी, लंबाई कम होगी तो मोटाई बढ़ जाएगी, मोटाई से मतलब है इसकी चौड़ाई कह दो, या अगर ये प्रिज्मेटिक है तो इसका डाया कह दो आप, मोटाई इसकी कम हो गई है। सभी को समझ आ रहा है, पहले कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक पहले ये L थी टोटल, ये वाली यहाँ से यहाँ तक L, अब ये लेंथ इसकी कम हो गई, इधर दिखा देते हैं, ये लेंथ इसकी कम हो गई जो डेल्टा L है, समझ पा रहे हैं। तो लंबाई यहाँ तो बढ़ रही थी, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर लेंथ कम हो रही है, डेट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर लेंथ में चेंजिंग हो रही है, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है।
साथ साथ इसकी चौड़ाई भी, यहाँ देखो जब लंबाई बढ़ी तो यहाँ चौड़ाई कम हुई थी, यहाँ पर लंबाई कम हुई चौड़ाई बढ़ी थी, मतलब चौड़ाई भी साथ साथ बदल रही है। तो अब हम कैसे बोलेंगे, लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ घट रही है, चेंजिंग हो रही है ना इसमें, लंबाई और चौड़ाई में चेंजिंग हो रही है। लंबाई चौड़ाई को हम इसकी डायमेंशन कह सकते हैं, माप जिसे आप बोलते हैं माप। तो हम यहाँ पर इजीली इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, सबसे पहला तो स्ट्रेन को दोस्तों हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से। स्मॉल ई बराबर क्या होता है हमारा, पहले मैं फॉर्मूला देता हूँ जिससे आप डिफाइन कर सकें, जितना भी लंबाई में परिवर्तन हुआ है, लंबाई बड़ी हो या घटी हो, ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी परिवर्तन हुआ है इस लेंथ में, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इतना, डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, फिजिक्स में, ठीक है। ये हमने कह दिया इसको क्या कह देंगे, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई को विकृति कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं लिख करके आना है, लेंथ के टर्म में नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अब यहाँ तो लेंथ बढ़ी, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई में भी तो विकृति हो रही है। अगर मैंने इसको कह दिया सपोज स्टार्टिंग में इसका डाया यहाँ से यहाँ तक डी था, डायामीटर है मान लो डी, अब चेंज हो गया कुछ, ये इधर का और इधर का दोनों तरफ का थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है इधर उधर दोनों तरफ मिला के मान लिया वो डेल्टा डी चेंज हुआ, कितना डेल्टा डी चेंज हुआ, कुछ इधर से चेंज हुआ कुछ इधर से डेल्टा डी मान लिया, तो इस केस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला ई बराबर डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा। तो हम केवल डेल्टा एल अपॉन एल तो कहेंगे नहीं स्ट्रेन को, हम डेल्टा डी अपॉन डी भी कह सकते हैं। अगर इसको मोटाई टी कह दिया तो मैं यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन टी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, डेल्टा टी अपॉन टी। वो हम टाइप्स में देखेंगे किस किस टाइप के हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं अभी एल लिख देता हूँ, लेकिन डेफिनेशन पहले समझिए ध्यान से, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। एल कब लेंगे, कब टी लेंगे, कब वी लेंगे, सब देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। फिलहाल आपको जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है स्ट्रेन की, वो डेफिनेशन आपको सभी को ये लिखनी है, स्ट्रेन इक्वल टू होता है दोस्तों चेंज इन लेंथ, लेंथ ना कह के सॉरी डायमेंशन बोलेंगे आप, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब माप, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन में ओरिजिनल ओरिजिनल डायमेंशन। सभी को समझ आ रहा है, आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं विकृति बराबर, विकृति बराबर इसके माप में परिवर्तन, किस में, माप में परिवर्तन, या परिमाप भी लिख सकते हैं, माप लिख सकते हैं, माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप, वास्तविक माप, ठीक है। अब माप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माप से मतलब दोस्तों ये हो गया कि आप यहाँ पर लेंथ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रेथ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप थिकनेस भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप वॉल्यूम भी ले सकते हैं, वो टाइप्स में बता देंगे। फिलहाल के लिए हमने अभी लेंथ में देखा, तो आप यहाँ पर ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल आप फॉर्मूला याद कर लेंगे सभी, ठीक है, क्या डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसकी डेफिनेशन सुनिए ध्यान से, ये तो फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना है। मैंने यहाँ डायमेंशन की जगह लेंथ ले रखा, क्योंकि मैं डायग्राम में लेंथ को चेंज होते दिखा रखा है, अभी मैं यहाँ डी की बात नहीं कर रहा, वो टाइप में समझ लेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आपको डेफिनेशन यहाँ से क्या समझ आ रही है, आपको ये समझ आ रहा है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा क्या, जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण बॉडी की शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। सपोज बॉडी में क्या हो गया, डिफॉर्म हो गई, विरूपण आ गया, तो बॉडी में जब डिफॉर्मेशन आया तो इससे क्या हुआ, इसकी डायमेंशन चेंज हुई। तो क्या कह देंगे, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स के कारण बॉडी की डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल बोलिएगा क्या, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। हिंदी में कह देंगे माप में परिवर्तन और वास्तविक माप के अनुपात को विकृति कहते हैं। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, इतना समझ आया सभी को। फिलहाल के लिए फॉर्मूला ई बराबर डेल्टा एल अपॉन एल याद कर लेंगे, आपकी बुक में डेल्टा एल अपॉन एल की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो मैं डी की बात कर रहा था बी की, वो सब टाइप्स में बताएंगे, जस्ट वेट करें थोड़ा सा। फिलहाल इतना बताइए, स्ट्रेन की डेफिनेशन सभी को समझ आ गई, सभी दोस्तों को, दोनों डायग्राम भी आप सभी बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लंबाई में वृद्धि क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वृद्धि भी हो सकती है कमी भी हो सकती है, इसीलिए केवल वृद्धि कहना गलत होगा, हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिवर्तन। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई को हम विकृति कहते हैं। अब लेंथ में कर रहे हैं तो लेंथ के लिए अलग स्पेशल नाम आता है, आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ये बताओ, इतना समझ आ गया ना, स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, माप में परिवर्तन बटे वास्तविक माप, समझ आया। अब बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में, थोड़ा यूनिट समझ लीजिए, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगी, यूनिट और डायमेंशन।
यानी इसका मात्रक और बीमा क्या होगा, क्या चीज़ बोला मैंने, मात्रक एंड इसकी बीमा, बीमा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डायमेंशन को माप कहा गया, यहाँ पर डायमेंशन को बीमा कहा गया, वो आपका इंग्लिश में तो डायमेंशन ही रहेगा दोनों जगह, हिंदी के हिसाब से नाम चेंज रहते हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब इसकी बीमा क्या होगी, आप पहले यूनिट की बात कर लो, यूनिट ये चेंज इन लेंथ है, ये लेंथ भी आपकी मीटर में होगी, ये भी मीटर में है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर सेम यूनिट होगी। अगर ये एमएम में है तो ये भी एमएम में कर सकते हैं, दोनों ही लेंथ है, दोनों लेंथ है, दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, कोई यूनिट नहीं बचती, इसलिए हम इसको यूनिट लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट लेस, या फिर आप कह सकते हैं डायमेंशन लेस, यूनिट लेस या फिर डायमेंशन लेस, हिंदी में कह दीजिएगा मात्रक विहीन और बीमाहीन, मात्रकहीन या मात्रक विहीन, या फिर आप लिख दीजिएगा क्या, बीमाहीन, ये बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, बीमा बीमाहीन, सभी को समझ आया इतना, ये ठीक है। इसके यूनिट के बारे में बात हो गई, और आपको पहले ही बताया था ये भी टेंसर क्वांटिटी होती है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, कैसी है ये, टेंसर क्वांटिटी है ये, टेंसर, और मैंने टेंसर के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था सभी को। इतना समझ आया सभी दोस्तों को, क्लियर हुआ, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्ट्रेन के बारे में इतना काफ़ी है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये डेफिनेशन, ये फार्मूला, इसको हटा दो कट गया था, ये फार्मूला और यूनिट के बारे में इतना सा याद रखना है, और ये टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर राशि होती है, इतना भी आपको याद रखना है स्ट्रेन के बारे में, हटाएं से। चलिए अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करते हैं, उसमें आपको सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रफ करता हूँ और एक एक करके सभी टाइप्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन के प्रकार यानी विकृति के प्रकार। तो स्ट्रेन मेनली चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, कर्तन विकृति और आयतन विकृति। मेनली आपके सिलेबस में यही चार दे रखे हैं, वास्तव में होते भी यही चार हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे एक एक करके। अच्छा पहले तो ये सुन लो, इनके टाइप्स रखे कैसे गए हैं, अलग अलग इनको क्लासिफाई क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों स्ट्रेन के बारे में आपको बताया था चेंज इन डायमेंशन, क्या बताया था, चेंज इन डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन में जो भी चेंज हो रहा है, इसकी माप में जो भी चेंज हो रहा है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ये आप सभी को जस्ट अभी बताया था। ठीक है, आपको इतना पता होगा। अब यहाँ पर डायमेंशन वर्ड लिखा है, डायमेंशन मतलब इसके माप में चेंजिंग आ रही है, किसमें, माप में, डायमेंशन में, और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन है। अब ये डायमेंशन कुछ भी हो सकते हैं, किसी बॉडी की लंबाई में चेंजिंग आ गई तो लंबाई में चेंजिंग आ रही है तो उसके हिसाब से अलग नाम रखेंगे, अगर उसके व्यास में चेंजिंग आ रही है तो उसके हिसाब से अलग नाम रखेंगे, अगर उसके आयतन में चेंजिंग आ रही है तो उसके हिसाब से अलग नाम रखेंगे। तो ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, अगर ये डायमेंशन लेंथ होगी, लेंथ, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह देते हैं, अगर ये डायमेंशन व्यास होगी तो हम इसको लेटरल कह देते हैं। ठीक है, और ये आयतन होगा तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह देते हैं। शियर स्ट्रेन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है इससे, तो उसे भी आपको समझाएंगे। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो डायमेंशन है ये अलग अलग चेंजिंग आएंगी, लंबाई चेंज होगी तो उसका नाम कुछ और होगा, व्यास चेंज होगा उसका नाम कुछ और होगा, आयतन चेंज होगा उसका नाम कुछ और होगा। तो इसी प्रकार से इनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है कि कौन सी डायमेंशन में चेंजिंग आ रही है, तो उसका वही नाम उसके हिसाब से रख दिया गया है। अब क्यों रखा है, लेंथ के हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल क्यों रखा है, डाया के हिसाब से लेटरल क्यों रखा है, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी इसके लिख दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूले आएंगे इसके, अभी मिटा रहा हूं मैं समझाने के लिए, पहले हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दो डायग्राम आपके वही हैं जो स्ट्रेन के डायग्राम थे, आप इन डायग्राम से भी समझ सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ये जो पी फोर्स लग रहा है इस लंबाई के अनुदिश लग रहा है, जिधर लंबाई है उसी दिशा में लग रहा है। ठीक है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी अक्ष पे लग रहा है, यहाँ टेंसाइल है खींच रहा है, यहाँ कंप्रेसिव है दबा रहा है, लेकिन लग कहाँ रहा है, अक्ष पे लग रहा है इसके, या लंबाई की दिशा में लग रहा है, जिधर लंबाई है उसी के अलोंग लग रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ रहा है। अब आप एक वर्ड को याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल में क्या आ रहा है दोस्तों, लॉन्ग आ रहा है, लॉन्ग मतलब लंबाई होती है ना, एल फोर होता है लॉन्ग, एल फोर क्या होता है लॉन्ग, या लेंथ भी कह देते हैं इसको, ये लंबाई होगी, लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा। ठीक है, एंड एल फोर ही होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जिसे हम अनुदैर्ध्य कहते हैं।
अब जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है ना, इसमें लेंथ में चेंजिंग आती है। किसमें? लेंथ में। लेंथ का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए आप कह सकते हैं कि हम जब भी किसी बॉडी पर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में जो परिवर्तन होता है, किसमें? लंबाई में जो परिवर्तन होता है, अपॉन में वास्तविक लंबाई। अब यहाँ डायमेंशन ना बोल के दोस्तों क्या बोलेंगे आप बोलेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। एक और डायग्राम की हेल्प से आप सभी समझ सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, यही वाला डायग्राम है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है इसमें। ये था, सपोज इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक पहले कितनी है, एल है, ये लेंथ, लेंथ एल है। आपने इस पर फोर्स लगाया कोई पी फोर्स, पी फोर्स के कारण इसकी लंबाई बढ़ गई, और लंबाई बढ़ती है तो आप सभी जानते हैं इसकी मोटाई या चौड़ाई कम हो जाती है। ये बार दोस्तों प्रिज्मेटिक बार है, आगे आपको पढ़ाया भी जाएगा प्रिज्मेटिक बार क्या होती है। प्रिज्मेटिक बार एक ऐसी बार होती है जिसका जो एरिया होता है वो हर जगह सेम रहता है, यानी जिसका व्यास सेम रहे। एक तो ऐसी छड़ होगी, ये वाली, ये टेढ़ी मेढ़ी छड़ है। ये कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी छड़ है। इसका व्यास बात करें, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, एरिया यहाँ कुछ और है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता रहता है उसे प्रिज्मेटिक नहीं कहते, और जिसका एरिया जिसका इसके लेंथ के अलोंग हर जगह सेम हो, अगर ये आपकी ये जो छड़ है ये बेलनाकार है इस तरह से, इसके क्रॉस सेक्शन कैसे हैं? सर्कुलर है, तब कहीं भी निकालना, एरिया इसका हर जगह सेम निकलेगा। ऐसी बार जो लेंथ के थ्रू यानी पूरी लंबाई तक समान क्रॉस सेक्शन एरिया की होती है उसे प्रिज्मेटिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, ये इसका डाया है। क्या है ये? इसका व्यास है। यहाँ से यहाँ तक ये डाया होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल इसका क्रॉस सेक्शन दिखा देते हैं। ये व्यास है दोस्तों, यहाँ पर इसको चौड़ाई मत बोलिएगा आप, क्या बोलेंगे इसको? व्यास। एक्चुअल में ये छड़ इस तरह की होती है प्रिज्मेटिक बार इस तरह की। तो हम इसके क्रॉस सेक्शन को छोड़ देते हैं, केवल बीच वाला ये वाला पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर समझ पा रहे ना आप सभी? तो इसका ये व्यास था। अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला? आपने फोर्स लगाया, इसकी लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बढ़ गई, जिसको आपने सपोज डेल्टा एल कह दिया, ठीक है। और इसकी चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। चौड़ाई ना बोल के क्या बोलेंगे आप? व्यास इसका कम हो गया। व्यास इसका जो डायामीटर है वो क्या हो गया दोस्त? वो कम हो गया। यहाँ पर समझ आ रहा है इतना? तो हमने क्या कह दिया, यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है ना, लेंथ लंबाई के अनुदिश। तो लेंथ यानी जब भी किसी भी बॉडी पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, लेंथ के अलोंग कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसकी लेंथ में चेंजिंग अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक दूसरा नाम भी होता है, वो नाम क्या होता है आपको खुद पता होगा पहले से। मैंने आपको स्ट्रेस पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में एक डायरेक्ट स्ट्रेस बताया था। मैंने क्या कहा था? जब भी किसी बॉडी की अक्ष पर कोई बल काम करता है, अक्ष पर टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, तो वो डायरेक्ट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर ये जो पी लग रहे हैं, ये क्या? ये डायरेक्ट फोर्स ही तो हैं, क्योंकि ये अक्ष पर लग रहे हैं, या टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, लेकिन होंगे डायरेक्ट ही। तो इन डायरेक्ट फोर्स के कारण इसकी लेंथ में जो चेंजिंग आ रही है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेन भी कह देते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, इसी को हम दोस्तों डायरेक्ट स्ट्रेन भी कहते हैं। आप याद रखिएगा इसका नाम, ठीक। अभी मैं सब कुछ लिखूंगा, अभी समझते रहें, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेन क्यों कह रहे हैं, इसको समझ आ गया सभी को? क्योंकि फोर्स हमेशा अक्ष पे लग रहा है इसमें, यहां भी टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों तरह का, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? डायरेक्ट स्ट्रेन बोल दिया, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया होगा, मैं ये सब डायग्राम मिटा रहा हूँ, आप सिंगल ये वाला डायग्राम जो बन रहा है इसको याद रखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा इजी याद रहेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ आपने देखा लंबाई बढ़ी, अब आपको दिख रहा है यहाँ तक पहले व्यास इसका डी था, अब व्यास कुछ कम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया, डायमीटर कम हो गया। मान लिया इसके व्यास में जो कमी आ रही थी वो डेल्टा डी की कमी आ रही थी, यानी इधर और इधर दोनों को मिलाकर, कुछ इधर से कम हुआ, कुछ इधर से कितना कम हो गया? डेल्टा डी कम हो गया। तो डेल्टा डी कम होने के बाद कितना बचेगा बीच में? डी माइनस डेल्टा डी बचेगा, डी माइनस डेल्टा डी बचाइए, ये कम हो गया। कितना कम हुआ? डेल्टा डी। तो अब क्या कह देंगे आप? अब कह देंगे डेल्टा डी अपॉन डी जो होगा, यानी व्यास में परिवर्तन अपॉन इसका जो वास्तविक व्यास है, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया, इसको हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। लेटरल को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जब भी हम कोई भी लेंथ के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो जो अक्ष होती है इसकी क्या होती है? अक्ष। जैसे मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ, ये जो इसकी अक्ष है दोस्तों, ये वाली, इस अक्ष को, तो ये तो हो गया एक्सियल। क्या हो गया? एक्सियल। अक्ष के अलोंग एक्सियल को ही हम लॉन्गिट्यूडनल, तीन चार नाम है बता रहा हूँ इसके, क्या क्या नाम है। इसको हम एक्सियल भी कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इसी को दोस्तों हम इसी को क्या कह देंगे? एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल। एंड इसका एक और नाम होता है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट। ये जो अक्ष जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर है कोई चीज़, जैसे परपेंडिकुलर मतलब लंबवत इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लंबवत को, इसको लेटरल कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, लेटरल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसवर्स भी होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है।
इंग्लिश में इसको अनुप्रस्थ, हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं इसको, अनुप्रस्थ, और इसको हम हिंदी में पार्श्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व। समझ पा रहे हैं? लेटरल ट्रांसवर्स दोनों नाम होते हैं इसके, लेटरल वाले के, याद रहेगा आप सभी को ये। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी यही काम हो रहा है, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये तो अक्ष है इसके, ये जो पी फोर्स लग रहा है अक्ष पे लग रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पर इस अक्ष के परपेंडिकुलर जो चेंजिंग आ रही है डायमेंशन में, जिधर फोर्स लगा रखा लंबाई के अलोंग, उसके लंबवत जो चेंजिंग आ रही है किस किस में, व्यास में, वो क्या है आपका, वो लेटरल है। लेटरल मतलब पार्श्व, पार्श्व कहते हैं साइड को, साइड वाले को, जिधर फोर्स लगा है लंबाई चेंज हुई, लंबाई के साइड में क्या चेंज हो रहा है, इसका व्यास भी चेंज हो रहा है। तो साइड पार्श्व मतलब साइड में, ठीक है। तो साइड वाला जो चेंजिंग हो रहा है वो क्या है, डाया है। तो चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। मैं बार बार एक ही चीज़ को कई बार रिपीट कर चुका, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। लेटरल में क्या होगा, चेंज इन डाया डी, जो डेल्टा डी है अपॉन में ओरिजिनल डाया जो था, ठीक है। मतलब ये जो डेल्टा डी है, इधर का और इधर का दोनों तरफ का मिला करके चेंज हुआ है, वो डेल्टा डी है। तो मैंने यहाँ माइनस करके दिखा दिया इसको, ठीक है। समझ आ रहा है सभी दोस्तों को, क्लियर हुआ ना ये हो गया लेटरल और लीनियर के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक बारी इन दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ, और इसकी भी लिख देता हूँ साथ में आयतन वाले की, इसको अलग से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से नहीं है। आयतन में क्या हो जाएगा, समझदार हैं आप लोग, बता सकते हैं अब तो इजीली, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, इसमें आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन होगा, यहाँ पर व्यास में परिवर्तन अपॉन वास्तविक व्यास होता है, यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई होती है। ये तीन तो आप सभी को समझ आ गए, अब शियर वाला रह गया है। तो पहले मैं इन तीनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर डायग्राम ये वाला बनाएंगे इसके और इसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। आयतन वाले के लिए अगर आपको बनाना है तो आप 3D बना सकते हैं, कोई भी 3D शेप का डायग्राम, इस तरह का ऐसा कोई डायग्राम आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह का, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, या आप इसको मोटाइटी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस, आप चाहे जो कहते हैं, ठीक है। LVT तीन चीज़ें इसमें, समझ आ रहा है। तो जब आप इस पर कहीं भी फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स के कारण क्या होगा, इस फोर्स के कारण इसका आयतन बदल जाएगा, ठीक है। आयतन के केस में फोर्स एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, वो आपको आगे डेरिवेशंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो हम करा देंगे, आप बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इनके डेफिनेशंस पे बात करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा हो गया एक्सप्लेन, इतना काफ़ी है। तो चाहे तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो तीनों के फॉर्मूले का, फिर मैं आपको एक एक करके सभी की डेफिनेशन फॉर्मूले लिख करके समझा देता हूँ, ठीक है। समझ तो गए, बस लिख लेंगे आप नोट्स के लिए, हटा दें इसको, इसको हटाते हैं और इसके डेफिनेशंस को लिखते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों, दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की और लेटरल स्ट्रेन की, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया है वही सब यहाँ लिखा है, तो एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा जो समझाया था। लिखा है, जब किसी वस्तु पर अक्षीय भार या बल यानी एक्सियल लोड लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। यही आपको समझाया था, जब भी किसी वस्तु की अक्ष पर कोई बल लगाते हैं, हम एक्सियल लोड लगाते हैं या एक्सियल फोर्स लगाते हैं, तो इस वस्तु की लेंथ में जो चेंज होती है अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख भी दी है फॉर्मूले की फॉर्म में, क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हिंदी में आप कह सकते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई। इन शॉर्ट आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद आ जाएगा पूरा डेफिनेशन। ये कैसे कि आप किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं, बस ध्यान क्या रखना है, कौन सा फोर्स लगाएंगे आप, एक्सियल लोड लगाएंगे यानी अक्षीय भार या बल लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम अक्षीय भार या बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ में जो चेंज होती है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको ही बोलते हैं ई लॉन्ग। लॉन्ग मतलब यहाँ लॉन्गिट्यूडनल से है, स्मॉल ई यहाँ पर स्ट्रेन को दर्शा रहा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक्सियल लोड लग रहा है, और आप सभी को मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सियल टेंशन हो या कंप्रेशन फोर्स हो, इसको हम डायरेक्ट लोड भी कहते हैं। अब डायरेक्ट लोड कहते हैं तो इस डायरेक्ट लोड के कारण ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो रहा है, यानी ये जो स्ट्रेन आ रही है, इस स्ट्रेन को हम डायरेक्ट स्ट्रेन भी कह देंगे। डायरेक्ट स्ट्रेन किसको कह रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को ही हम डायरेक्ट स्ट्रेन बोल रहे हैं। ये मैंने यहाँ नोट में लिख के भी आपको दिखा रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन की, तो आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये अक्ष है इसकी, ये अक्ष है जिस पर फोर्स लग रहा है, यानी इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंजिंग आ रही है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या चेंजिंग आ रही है दोस्तों, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है कि पहले अगर इसका डायमीटर व्यास यहाँ से यहाँ तक डी था, तो बाद में ये घट करके कम हो गया।
दिख रहा है ना, कम हो गया यहाँ पर, कितना कम हो गया, दोनों साइड से डेल्टा डी कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर डी माइनस डेल्टा डी बचा ये वाला डाया, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप, ये बल की दिशा है, इसके लंब रूप इधर से ऐसे बल लग रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, बल की दिशा के लंब रूप यानी परपेंडिकुलर, जो डाया में चेंजिंग आती है यानी व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी दिखा रखा है, इन शॉर्ट आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, क्या कि ई लैटरल जो होता है डेल्टा डी अपॉन डी होता है, यानी यहाँ पर ये जो चेंज आया है डेल्टा डी का इधर से और इधर से दोनों तरफ से जो डेल्टा डी चेंज हुआ है अपॉन में ओरिजिनल डी, इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल बोलते हैं। ये हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी चेंज आएगा अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, इसको क्या बोल देंगे हम, ई लैटरल कहते हैं। ये व्यास में चेंजिंग होती है, व्यास हमने यहाँ क्यों बोला, क्योंकि ये जो बार होती हैं प्रिज्मेटिक होती हैं, यानी इनका क्रॉस सेक्शन होता है इस तरह से, जैसे ये बार है तो इनका क्रॉस सेक्शन होता है ऐसे, ठीक है, इसलिए हम इनको प्रिज्मेटिक बार कहते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो था इसका डाया व्यास बोला है, इसलिए हमने इसको डी बोला है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। तो बहुत सिंपल है, इन शॉर्ट आप सिर्फ ये फॉर्मूले भी शॉर्ट नोट्स में याद रखेंगे तो भी आपको इजीली याद आ जाएगा, उसी को बड़ा चढ़ा के लिख दिया गया है यहाँ पर ताकि आपके कन्वेंशनल एग्जाम में भी आप लिख पाएँ इसलिए, ठीक है, बाकी आपको इससे डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं अपनी अगली दो डेफिनेशंस की ओर, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको नाम से ही पता चल रहा है, शियर स्ट्रेन मतलब क्या होगा, जिस किसी भी बॉडी पर शियर फोर्स काम करेगा तो शियर फोर्स के कारण जो स्ट्रेन आएगी वो शियर स्ट्रेन होगी। अब कैसे शियर फोर्स काम करेगा, कैसे स्ट्रेन उत्पन्न होगी, तो आपको एक डायग्राम से समझा देते हैं, यहाँ बना देते हैं डायग्राम छोटा सा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये कोई बॉडी है जो नीचे से फिक्स है, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर इतना समझ आ रहा है सभी दोस्तों को, ठीक है, ये बॉडी है कोई जो फिक्स कर रखी है यहाँ से। अब आपको क्या बताया था, शियर फोर्स हमेशा सतह पर काम करता है, सतह के स्पर्श रेखीय लगता है, टेंजेंशियल लगता है। तो मैंने मान लिया इस वाले सरफेस के टेंजेंशियल, यहाँ पर मैंने कोई एक फोर्स लगा दिया शियर फोर्स, मैंने इसको एफ कह दिया, ये शियर फोर्स बल कार्य कर रहा है। अब चूंकि मैंने मान लिया ये है ए है, ये बी है, ये मान लिया सी है, और ये पॉइंट जो था वो डी है, सपोज डेट, ये मान लिया, ठीक है, अब कुछ भी मान सकते हैं, पॉइंट की बात है। अब जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो नीचे से तो बॉडी क्या फिक्स है, ऊपर से क्या होगी, बॉडी आगे को मूव कर जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो बी पॉइंट है यहाँ से आगे इधर शिफ्ट हो जाएगा, कहीं बी पॉइंट मान लिया बी डैश पर शिफ्ट हो गया, ऐसे जो डी पॉइंट था ये इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा डी डैश पॉइंट पर। तो ये जो ए बी लाइन थी ये इस तरह से हो जाएगी ऐसे ऐसे, और जो ये सी डी लाइन थी, सी डी ये वाली, ये इधर पहुँच जाएगी इस तरह से। तो बॉडी जो आपकी पहले ये सीधी थी, अब ये ऐसे टेढ़ी होगी, नीचे से तो जहाँ था वहीं रहा क्योंकि नीचे तो फिक्स था ये, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, ये फिक्स था। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, यही हमारा शियर स्ट्रेन होता है। क्या होता है ये शियर स्ट्रेन होता है, इसके बारे में आपको जब बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन समझाएंगे, वहाँ भी ये डायग्राम रिपीट होगा फिर से। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम किसी भी बॉडी पर शियर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर हमने कौन सा फोर्स लगाया, शियर फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये शियर फोर्स है, ठीक है, यहाँ से ये जो फोर्स जा रहा है इस साइड को, कौन सा फोर्स है दोस्तों, ये शियर फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। इस शियर फोर्स के कारण क्या हुआ, बॉडी ऊपर से आगे को चली गई, मतलब डिफॉर्म हो गई। ये किस तरह से डिफॉर्म हुई है, यहाँ पर जो फाई एंगल बन रहा है यहाँ भी फाई एंगल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो बॉडी में ये जो एंगल बनता है फाई, यही आपका शियर स्ट्रेन होता है जो कि शियर फोर्स के कारण उत्पन्न हुआ है। तो पहली लाइन तो यहाँ यही लिखी हुई है कि किसी वस्तु पर लगे कर्तन बल यानी शियर फोर्स के कारण उत्पन्न विकृति को हम कर्तन विकृति कहते हैं। तो इतना आपको याद रहेगा, शियर स्ट्रेन किसके कारण उत्पन्न होता है, शियर स्ट्रेन शियर फोर्स के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। स्ट्रेन इज जनरेटेड इन ए बॉडी ड्यू टू शियर फोर्स इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, यानी शियर फोर्स के कारण जो भी बॉडी के अंदर स्ट्रेन आई है वो शियर स्ट्रेन होगी, पहली चीज। ये लाइन सभी को समझ आ रही है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो, ठीक है। अब नीचे जो लिखा है ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। एक तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं, आप अगर इसको लिखेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे तो आप लगा दो यहाँ से टेन फाई, क्या लगा देंगे आप, टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन, इसके सामने का एंगल लंबवत है, ये लंब है, लंबवत आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन का,
परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बी बी डैश है ऊपर और नीचे क्या है ए बी है, समझ पा रहे हैं, लंबवत के आधार इससे। अगर आप यहाँ पर निकाल रहे हैं फाई के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबवत साइड डी डी डैश है, लंब हो गया डी डी डैश अपन आधार कितना है यहाँ पर सी डी है, ठीक है। आप चाहें जिससे निकाल लो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे दी जाए बी बी डैश की और आपको ए बी की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहे सीयर स्ट्रेन कितना, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे टेन फाइव इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी, या फिर आप यहाँ भी समझ सकते हैं लंब है आपका डी डी डैश अपॉन सी डी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया इस डायग्राम के लिए। अब एक दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हुक्स लॉ के बाद भी आपको समझाया जाएगा, जब मैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट आपको पढ़ाऊंगा वहाँ समझाऊंगा, फिलहाल अभी के लिए आप याद कर लेंगे क्या टाउ अपॉन जी। टाउ क्या होता है, टाउ दोस्तों सीयर स्ट्रेस होता है, मैंने आपको बताया भी था कुछ बुकों में ये स्मॉल क्यू दर्शा रखा होगा कुछ में टाउ से, तो आप क्या बोल देंगे सीयर स्ट्रेस अपॉन में यहाँ जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम इसको सीयर मॉडुलस कहते हैं, कर्तन मापांक कहते हैं, लिखा हुआ ऊपर कर्तन प्रतिबल नीचे कर्तन मापांक, यानी सीयर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको सीयर मॉडुलस भी कहते हैं। तो सीयर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन दोनों के रेशियो को हमने क्या कह दिया सीयर स्ट्रेन कह दिया, ये भी स्टैंडर्ड ही डेफिनेशन है, आपके एग्जाम में आएगी तो आप ऊपर वो भी लिखेंगे और दूसरी ये वाली डेफिनेशन भी लिखेंगे जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। यदि किसी बॉडी पर कर्तन बल यानी सीयर फोर्स कार्य करता है तो इससे उत्पन्न कर्तन प्रतिबल, इससे क्या उत्पन्न होगा, इससे उत्पन्न होगा कर्तन प्रतिबल यानी सीयर स्ट्रेस उत्पन्न होगा, जिसे हम टाओ बोलेंगे, सीयर स्ट्रेस टाओ, एंड वस्तु के पदार्थ का यानी जो भी बॉडी है उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल का कर्तन मापांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम जी बोल रहे हैं, इनके हम रेशियो को इनके अनुपात को क्या कहते हैं सीयर स्ट्रेन कहते हैं। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है, यहाँ पर मैंने यही लिखा है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फाई यहाँ पर सीयर स्ट्रेन होता है तो सीयर स्ट्रेन इक्वल टू सीयर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सभी को समझ आ गया ये, तो ये सीयर स्ट्रेन के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ रहा होगा, थ्योरी का पार्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मैं फिर भी काफ़ी टाइम दे रहा हूँ आपके लिए, मुझे लिखना भी पड़ता है उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप इसको इजीली समझ लीजिए। इसके बाद जो अगला पार्ट चलेगा उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर भी मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ करके छोटी सी रिक्वेस्ट है आप नोट्स ज़रूर बनाएं जिसे आप दोबारा रिवाइज करें तो आपको चीज़ें ईजिली याद हो जाएँ, ठीक है। एक और लास्ट टाइप रह गया है, एक बार उसको और डिस्कस कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं अगले टाइप की ओर, हटा दें इसे। चलिए तो चलिए दोस्तों लास्ट टाइप और देख लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति, इसको वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम में चेंजिंग होगी, क्या होगा इसमें आयतन में चेंजिंग होगी, यानी जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा दें और एक से ज़्यादा फोर्स भी हम इसमें लगा सकते हैं चूँकि आयतन है, ये आयतन आप सभी जानते हैं वॉल्यूम वी इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस या हाइट, हाइट भी कह सकते हैं आप, थिकनेस भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से एल इंटू वी इंटू टी ये होता है वॉल्यूम। तो हम क्या कर सकते हैं तीन तीन फोर्स लगा सकते हैं, लंबाई के लिए अलग, चौड़ाई के लिए अलग, मोटाई के लिए अलग, तीन बल लगा के सब हर तरफ से आप खींच दो उसे या दबा दो तो क्या होगा उसका आयतन चेंज हो जाएगा, क्या होगा आयतन चेंज हो जाएगा। तो नाम से पता चल रहा है आयतन विकृति का मतलब आयतन में परिवर्तन होगा और अपॉन में वास्तविक आयतन रहेगा, तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ये बॉडी है कोई, हमने एक्स अक्ष की तरफ फोर्स लगा दिया, इधर खींचा एक्स बल एफ एक्स बल लगा के, वाई एक्स पे खींचा एक्स एफ वाई बल लगा के, इधर खींचा एफ जेड बल लगा के, तीनों तरफ से खींच रहे हैं, इसकी लंबाई भी चेंज होगी, चौड़ाई भी चेंज होगी, मोटाई भी चेंज होगी, डेट मीन्स आयतन इसका चेंज हो जाएगा। तो जो भी आयतन चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं या वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है, ई बी बराबर डेल्टा बी अपॉन बी होता है, जो भी आयतन में परिवर्तन होगा उसे लेंगे ऊपर, नीचे ओरिजिनल वाला वॉल्यूम ले लेना, दोनों का डिवाइड करके आप वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल देंगे। फॉर्मूला यहाँ भी लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी आयतन में परिवर्तन अपॉन में वास्तविक आयतन, ठीक है। थ्योरी भी आप एक बार रीड कर लीजिए, सिंपल है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको लिखा है किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण, किसके कारण, बलों के कारण वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन यानी डेल्टा बी तथा वस्तु के वास्तविक आयतन यानी बी के अनुपात यानी इसके रेशियो को हम आयतन विकृति कहते हैं। इंग्लिश में आप सिंपल बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह दीजिएगा आप। सिंपली समझ रहे हैं ना आप लोग, आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
कुछ खास एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी थ्योरी थी। तो ये जो हमने आज टॉपिक कवर किया है स्ट्रेन वाला, ये भी थ्योरी बेस्ड टॉपिक था। जो भी इसके इंपोर्टेंट फॉर्मूले बन रहे थे मैं साथ साथ आपको लिखता गया, समझाने की भी पूरी कोशिश की, फिर भी आप इसके नोट्स बना करके एक बारी खुद से भी कोशिश कीजिएगा। मैं एक बार हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको लिख सकें, ठीक है। नोट्स प्लीज़ करके ज़रूर बनाएंगे आप। नोट्स से क्या होता है, एक तो अपने हाथ से लिख करके चीज़ें आसान लगने लगती हैं, जब बाद में पढ़ने बैठते हैं ना तो आप नोट्स से पढ़ते हैं ऐसा लगता है हमारा पढ़ा हुआ है पहले से, बुक में सब नया लगने लगता है फिर बार बार पढ़ने पे भी। इसीलिए आपको नोट्स बना के पढ़ना चाहिए। बुक में बहुत सारा होता है कंटेंट जो आपके लिए यूजफुल नहीं भी होता वो भी है, और जो इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर नोट्स बनाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अभी टाइम है, बुक भी पढ़िए नोट्स भी पढ़िए, एग्जाम टाइम पर आपके नोट्स ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए तो नोट्स की बात हो गई, अब मैं बात करता हूँ, एक मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। तो आप सभी जानते हैं जब भी हम किसी बॉडी पर प्रेशर लगाते हैं, जैसे कोई बॉडी है दोस्तों, ये कोई बॉडी है यहाँ रखी हुई है, हमें इसको दबाना है, हमें दबाना है, प्रेशर लगाना है, तो हम प्रेशर हमेशा बाहर से लगाते हैं, किधर से, बाहर से लगाते हैं प्रेशर किसी भी बॉडी पर। तो प्रेशर जो होता है दोस्तों, प्रेशर ये एक्सटर्नल क्वांटिटी होती है। प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल क्वांटिटी होती है, यानी ये बाह्य राशि है क्वांटिटी जो कि बाहर से लगती है। जबकि स्ट्रेस क्या होगा, जब इसको आप दबाएंगे तो बॉडी के अंदर से उत्पन्न जो होगा वो होगा स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो इंटरनल क्वांटिटी होती है, इंटरनल क्वांटिटी होती है, ठीक है, इंटरनल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा स्ट्रेस जो होता है वो हमारा टेंसर क्वांटिटी है, प्रेशर जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इतना दूसरा डिफरेंस ये हो गया, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, आपको सिर्फ इतना भी आप बता, कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिए थे। आप अगर ये भी कह देते कि जो प्रेशर होता है बाहर से लगता है, एक्सटर्नल क्वांटिटी है, स्ट्रेस अंदर से उत्पन्न होता है, इंटरनल क्वांटिटी है, तब भी आपका आंसर करेक्ट था। आप ये भी कह सकते थे जो स्ट्रेस होता है ये टेंसर क्वांटिटी होता है, और जो प्रेशर होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी एक बेसिक सा डिफरेंस है। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट और था, मैं उसको भी बता दूं, नाम तो मुझे याद नहीं रहा बच्चे का। उसने पूछा था, सर आपने स्ट्रेस में सभी फॉर्मूले बताए हैं लेकिन आपने बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं बताया। बेंडिंग स्ट्रेस का, मैंने स्ट्रेस का जब टाइप पढ़ा रहा था मैंने हर टाइप के स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दिया था, टेंसाइल में लिख दिया था, कंप्रेसिव लिख दिया था, आपके लिए डायरेक्ट वाला भी लिख दिया था, और लेकिन बेंडिंग का नहीं लिखा था। उसका रीज़न सुन लीजिए क्यों नहीं लिखा था। और सीयर में ना सीयर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला लिख दिया था। बेंडिंग का जो फॉर्मूला होता है ना वो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से निकलता है। हालांकि मैं आपको लिख देता हूँ, जिस बच्चे का कमेंट था उसके लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी सभी में हमने टेंसाइल स्ट्रेस देखा तो टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस देखा तो कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, सीयर स्ट्रेस देखा तो सीयर फोर्स अपॉन एरिया कर दिया, डायरेक्ट स्ट्रेस देखा तो डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया कर दिया। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस में बेंडिंग फोर्स नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है ना हमारा सिग्मा भी, उसका फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से आता है, जो कि आपका, इन शॉर्ट आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्या, माई अपॉन आई, क्या याद रख सकते हैं, माई, माई मीन्स मेरा, आई मीन्स मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा मैं नहीं है, अलग अलग टर्म होते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में आपको समझा देंगे इस चीज़ को। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो होती है हमारी वो एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर होती है, हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा आपको दिखाई दे रहा है यही बेंडिंग स्ट्रेस होता है, इसकी वैल्यू बाई को इस साइड ले जाते हैं तो एम बाई अपॉन आई आ जाता है। एम यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बेंडिंग मूवमेंट होता है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बाई जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस से, अगर ये कोई सेक्शन है तो इसके न्यूट्रल एक्सिस से और आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस बाई होती है। इसके अलावा ई यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इसलिए मैं छोड़ दिया है। पूरा एक चैप्टर है बेंडिंग स्ट्रेस नाम से, तो बेंडिंग स्ट्रेस आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ बता देंगे। फिर भी एक बच्चे का डाउट था, मैंने बता दिया। आप चाहें तो बच्चे फॉर्मूले इसको लिख सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस का एम बाई अपॉन आई होता है। एम यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं आप, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, आई मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, और बाई जो होता है यहाँ पर आपका वो न्यूट्रल एक्सिस से और आउटर मोस्ट सरफेस तक की डिस्टेंस होती है। क्लियर हो गया ना, अब किसी को कोई डाउट नहीं। तो किसी का कोई डाउट भी रहा करे बच्चों, आप जरूर लिखा करें कमेंट में, जो मुझे सही लगता है, जेन्युइन लगता है, मैं उसका कमेंट यहाँ रिप्लाई जरूर दूंगा वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगली बार से कोशिश करेंगे, अगर आप सही क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका नाम भी यहाँ पर हम बोलेंगे कि बच्चे का ये क्वेश्चन था और बच्चे का नाम ये है, ठीक है। तो चलिए आप ये सब लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, हम स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप, ये सब पढ़ चुके हैं।
कल की क्लास, संडे है कल, थोड़ी सी बड़ी क्लास मिलेगी आपको, बिकॉज टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ हम पढ़ेंगे और हुक का नियम देखेंगे, हुक के नियम में क्या कमी थी, उसको दोबारा कैसे दूर किया गया, हुक का मॉडिफाई रूल देखेंगे, हुक्स ने कौन सा संशोधित नियम दिया था, पहले नियम गलत दिया था उसको सही करके फिर मॉडिफाई रूल भी दिया गया था, हो सकता है आपके बुक में ना भी हो लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। एक स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ट्रिक की हेल्प से कहानी की तरह समझाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी अगले लेक्चर में ही कराऊंगा, तो आप कल की क्लास में जरूर आएँ आप सभी। इवनिंग में ही लेक्चर मिलेगा, संडे है, ऑफलाइन बैच सभी बंद रहेंगे, मैं स्टार्टिंग में शूट कर लूँगा, थोड़ा टाइम लूँगा उसके लिए अच्छे से समझाने के लिए, बट आपको इवनिंग में 9 बजे तक लेक्चर मिल जाएगा। इसी तरह से जुड़े रहेंगे, पर डे हम एक क्लास सॉम और मॉस की करेंगे, एक क्लास मैथ की क्या करेंगे, तो इस तरह से हमारा कोर्स भी जल्दी कवर हो जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे HHM को लेकर के और CET को लेकर के, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए बस, जैसे ही हमारे ऑफलाइन एक दो बैच कंप्लीट होते हैं आपका CET और HHM भी स्टार्ट कर देंगे, तब तक हमारा ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा, ठीक है। जुड़े रहिए इसी तरह से GTech Poly के साथ, अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।